बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो आलू का रायता बना रहे हैं, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको बॉयल किया, बॉयल करके काट लिए। बंद गोभी ली है, खीरे लिए हैं, टमाटर लिए हैं और प्याज लिए हैं जो बारीक बारीक काटा हुआ है, और दही लिए हैं। दही मैंने तकरीबन 1.5 केजी लिया है दही। मसालों में मैंने हरी धनिया और पुदीने की चटनी ली है 1 चम्मच, चाट मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। सबसे पहले मैं ज़ीरे को भूनूंगी तवे पे, तवा मैंने रख दिया चूल्हे पे और ये अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर ज़ीरा डालूंगी, ज़ीरे को मैं हाथ से मच लूँगी और बिल्कुल हल्का से इसे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 सेकंड के लिए, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें 1 से 2 सेकंड हो गए और अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और हमारा ज़ीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं दही ऐड करूँगी, उसके बाद इसमें हरी धनिया की पुदीने की चटनी, साथ ही इसमें नमक और चाट मसाला, अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। झटपट से ये रायता तैयार हो जाता है और रमज़ान में तो बहुत ज़बरदस्त, उसको खाइए, बहुत ठंडा होता है क्योंकि उसमें जितनी भी सब्जियाँ डलती हैं वो बहुत ठंडी, जैसे कि ये गोभी, बंद गोभी बहुत ज़बरदस्त सैलड के तौर पे यूज़ की जाती है। टमाटर, प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, बड़ा नहीं है ये, बिल्कुल बारीक सा छोटा छोटा सा मैंने इसको काटा हुआ है और साथ ही मैंने ये खीरे को भी बहुत बारीक। और इसके बाद जो मैंने ज़ीरा तवे पर भूना है, अब इसको इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें मैंने जो ज़ीरा को भूना हुआ है उसमें वो ऐड करूंगी। इसी रेसिपी को फॉलो करके आलू का रायता बनाएगा, देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त बनेगा। उम्मीद करूँगी आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी आलू के रायते की। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।